दोस्तों, इनब्रीडिंग क्या होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बचें, इसके नुकसान क्या हैं, इसके बारे में आज हम अच्छे तरीके से जो है कि जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि इनब्रीडिंग होता कैसे है और इनब्रीडिंग से दिक्कतें कैसे होती हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये गांव में तो 90% लोग इन ब्रीडिंग ही कराते हैं बकरी बकरियों को, और उससे होने वाली जो परेशानियां हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। जो फार्मर हैं या शहरों में जो हैं वो लोग, कुछ फार्मर तो मतलब बचा लेते हैं इन ब्रीडिंग से, और शहरों में 50% लोग बचा पाते हैं और 50% लोग नहीं बचा पाते हैं। तो 100% कैसे बचे दोस्तों, उसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बस आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कैसे बचना है। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि इनब्रीडिंग कैसे होता है और इससे नुकसान क्या होता है, दिक्कतें क्या आती है, तो आप आराम से जो है कि इससे बच जाओगे। तो दोस्तों, इनब्रीडिंग का मतलब, इस बकरे को दिखाइए ज़रा, जैसे कि ये बकरा है। अब इस बकरे से हमने किसी एक बकरी को क्रॉस करवाया, मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि ये बकरा है और इस बकरे से मैंने एक बकरी को क्रॉस करवाया, तो उस बकरी का जो बच्चा आया यानी बकरी आई, उस बकरी को भी इसी से हमने क्रॉस करवा दिया, तो दोस्तों वो हो गया इनब्रीडिंग। अब उससे दिक्कत क्या होता है, देखिए, एक ही बकरे से, जैसे कि इस बकरे से इसकी माँ को क्रॉस करवाया और फिर उसके बच्चे को भी क्रॉस करवा दिया, उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो हाइट और लेंथ होता है, जो वजन होता है, वो हर ब्यात में कम होने लगता है। और जो बच्चे आते हैं वो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उनका इम्यूनिटी पावर जो है कि कमज़ोर हो जाता है, तो वो बार बार बीमार होते हैं और उसी में जो है कि इनका मोर्टलिटी हो जाता है। तो इनब्रीडिंग मतलब, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि इसी बकरे से एक बकरी को क्रॉस करवाया, फिर उस बकरी का जो बच्चा आया उस बकरी को भी इसी बकरे से हमने क्रॉस करवा दिया, तो वो हो गया इनब्रीडिंग। अब दोस्तों, आपको बचना कैसे है इनब्रीडिंग से। देखिए, इनब्रीडिंग से बचने के लिए, जैसे कि अब ये मेरा बर्बरी का जो है कि बकरा है और इसको मैं तैयार कर रहा हूँ अभी, और लगभग तैयारी हो चुका है और ब्रीडर, अच्छा ब्रीडर बन जो है कि ये बन गया है अभी। तो जैसे कि मेरे पीछे आपको बर्बरी बकरी दिख रही होगी, अब उस बकरी को हमने क्रॉस करवाया, अब उसके बच्चे आने वाले हैं, तो अब उसके बच्चों को मैं इस बकरे से क्रॉस नहीं करवाऊंगा। अब इसके लिए मुझे या तो दूसरा ब्रीडर लेना पड़ेगा या तो फिर उस बकरी को ले करके कहीं किसी फार्म पर या किसी के पास जाना पड़ेगा, तब जो है कि हम इन ब्रीडिंग से बचेंगे। और जब आप इन ब्रीडिंग से बचोगे तो उसके फ़ायदे ये है कि उसके क्वालिटी, बच्चों का क्वालिटी बढ़िया आता है, उनका बढ़िया ग्रोथ होता है, बढ़िया हाइट बढ़ता है, बढ़िया लेंथ बढ़ता है, और उनका इम्यूनिटी पावर मजबूत होते रहता है और वो बीमार नहीं होते हैं। और जब वो बीमार नहीं होंगे तो आप घर में एक बकरी पालन कर रहे हो या फार्मिंग कर रहे हो घनत्व में, तो आपका ग्रोथ बढ़िया होगा और आपके फार्म का, आपके बकरी बकरियों का, सबका ग्रोथ बढ़िया होगा। तो दोस्तों, जब आप इनब्रीडिंग से बच जाओगे तब जो है कि आप ग्रोथ कर पाओगे, लेकिन गाँवों में लोग इनब्रीडिंग से नहीं बचते हैं, जो फार्मर हैं वो बच जाते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि ये बच्चा है, देखिए, ये क्रॉस ब्रीड का मतलब, देसी बकरी को हमने इस बकरे से क्रॉस करवाया था तो ये रिजल्ट आया है। आप क्रॉस ब्रीड पे काम करें, और अभी हम इनब्रीडिंग पे बात कर रहे हैं तो इनब्रीडिंग पर ही बात करते हैं। जैसे कि अब आपके पास एक बकरी है, गाँव में ऐसे ही होता है, जैसे एक दो बकरियाँ पालते हैं और उसके बाद उस बकरी को जब वो हीट में आती है तो बार बार उसी बकरे के पास लेके जाते हैं और उसके बच्चे को भी लेके जाते हैं, तो ये गलती आप ना करें। आप बकरा बदले आप दूसरे बकरे के पास लेके जाएं। शहर में भी ऐसे ही करते हैं लोग, नज़दीक जहाँ देखते हैं, जहाँ सुविधा मिलता है उसी के पास बार बार लेके जाते हैं, उसकी माँ को भी लेके गए और उसके बच्चे को भी ले गए। तो आप ये देखें कि इसकी माँ को हमने यहाँ क्रॉस करवाया था, तो अब इसके बच्चे को कहीं और किसी दूसरे बकरे से क्रॉस करवाना है, तब आप इनब्रीडिंग से बचोगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।